दलित होते हुए लंबी मूछ रखी और अच्छे कपड़े पहनता था, इसीलिए मार दिया। तनी हुई मूछ रखने पर दबंगों ने गोली मारकर की दलित युवक की हत्या। मूछ रखने को लेकर फिर हुआ दलित युवक पर हमला। ये खबरें 21वीं सदी के 22वें साल में विश्व गुरु बनने का दावा करने वाले भारत देश की हैं। ये हेडलाइंस उसी जम्बूद्वीप में बनती हैं जहां संघी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ये उसी सड़े हुए समाज की सड़ान मारती मानसिकता का सबसे बड़ा सबूत है जिसकी रगों में जातिवाद खून की तरह दौड़ रहा है, जो सिर्फ इसलिए किसी दलित को मौत के घाट उतार देता है कि उसने मूछ रखी थी। ये उसी देश की भयावह हकीकत है जो चांद और मंगल पर जीवन तलाश करने में जुटा है, लेकिन जातिवादियों के इस हौसले पर, इस घटिया हरकत पर कोई लगाम लगाने में नाकाम रहा है। जातिवादियों ने फिर से एक दलित नौजवान को अपना शिकार बना लिया है। राजस्थान के पाली जिले के बाली तहसील के 12वां गांव में रहने वाले कोविड हेल्थ सहायक जितेंद्र पाल मेघवाल की बीते मंगलवार हत्या कर दी गई। जितेंद्र पाल के परिवार के आरोपों के मुताबिक जितेंद्र मेघवाल को दलित होते हुए गुड लुकिंग पर्सनैलिटी मेंटेन करने के लिए मार दिया गया। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों का खंडन किया है। मामले का खुलासा करने का दावा करने वाली पुलिस ने हत्या के आरोप में आरोपी सूरज सिंह राजपुरोहित और रमेश सिंह राजपुरोहित को बाड़मेर जिले के पचपदरा के दुधवा गांव से गुरुवार को गिरफ्तार किया। पीड़ित परिवार कई दिन से धरने पर बैठा था, शव लेने से मना कर रहा था। सामाजिक संगठनों ने धरने प्रदर्शन किए, तब जाकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की जहमत उठाई। पुलिस में दर्ज मामले के मुताबिक मृतक जितेंद्र पाल अपने दोस्त कोविड हेल्थ सहायक हरीश कुमार के साथ मंगलवार को बाइक से बाली से बारवा जा रहा था। जितेंद्र पाल बाइक पर पीछे बैठा था। बाली से 2 किलोमीटर दूर पीछे से बाइक पर आए 2 लड़कों ने उन्हें रुकने के लिए आवाज लगाई। हरीश ने जैसे ही बाइक धीमी की, पीछे से आए युवक ने जितेंद्र पाल की पीठ पर चाकू घोंप दिया। घायल होकर वो बाइक से नीचे गिर गया। उसके बाद युवक ने उसके पेट और सीने में चाकू से ताबड़तोड़ 4 वार किए। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश थी। 23 जून 2020 को भी आरोपियों ने जितेंद्र पाल मेघवाल और उसके घर वालों के साथ मारपीट की थी, क्योंकि उसने उन्हें चौराहे पर नजरें उठाकर देख लिया था। बताया जा रहा है कि इसके बाद आरोपी गुजरात शिफ्ट हो गए और जितेंद्र के अस्पताल में नौकरी लग गई। नौकरी लगी तो जितेंद्र का लाइफस्टाइल सुधर गया और उसने शान से मूछें बढ़ा ली। मूछों की तस्वीरें अक्सर वो सोशल मीडिया पर शेयर किया करता था। बस इसी से आरोपी सूरज सिंह राजपुरोहित और रमेश सिंह राजपुरोहित चिढ़ गए और बाइक से करीब 800 किलोमीटर की यात्रा कर बाली पहुंच गए। एक दिन जितेंद्र के रूट की उन्होंने रेकी की और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी सूरज सिंह राजपुरोहित और रमेश सिंह राजपुरोहित एक दलित को सम्मान की जिंदगी जीते हुए नहीं देख पाए। जितेंद्र अपनी मेहनत कर रहा था, अच्छे से कमा खा रहा था, इससे किसी को भी परेशानी क्यों होनी चाहिए? ये कैसी मानसिकता है जो किसी दलित को इज्जत की जिंदगी देखकर, उसको जीते हुए देखकर कैंसर के फोड़े की तरह फूट पड़ती है? एक दलित अगर अच्छी शर्ट पहनेगा तो इससे जातिवादियों के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? एक दलित अगर स्टाइलिश मूछे रख लेता है तो इससे घटिया मानसिकता के सवर्ण जातिवादियों के अंग विशेष में आग क्यों लग जाती है? जब कोई दलित घोड़ी चढ़ जाता है तो इससे मनुवादियों का हाजमा क्यों खराब हो जाता है? इतनी घटिया सोच, इतना जहर, इतनी नफरत आखिर आती कहां से है? सवाल तो ये भी है कि आखिर कब तक हम अपने नौजवानों की लाशों को कंधों पर ढोते रहेंगे? आखिर कब तक जितेंद्र मेघवाल जैसे युवा इस नफरत का शिकार होते रहेंगे? सवाल तो ये भी है कि क्यों जितेंद्र मेघवाल की मौत कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाती? क्यों जातिवादी मीडिया दलितों को जरा सी बात पर मौत के घाट उतार देने वाली वारदातों पर मौन साध देता है? कश्मीर फाइल्स के नाम पर रुदन करने वाले एक्टिविस्ट और सेलिब्रिटीज ऐसे दलित फाइल्स पर अपना मुंह क्यों नहीं खोलते? कांग्रेस शासन काल में राजस्थान दलितों की कब्रगाह बनता जा रहा है, इसलिए सवाल तो कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार से भी पूछा जाना चाहिए। आए दिन दलित उत्पीड़न की ऐसी ऐसी खबरें सामने आती हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। ऐसे में जरूरी है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले,
फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई हो, मुआवजे का प्रावधान हो, पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी और रिहायशी जमीन दी जाए और दोषी साबित होने पर ऐसी सजा मिले कि फिर कोई जातिवादी ऐसी घिनौनी हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। जातिवादियों को कानून के डंडे से ही रोका जाना चाहिए क्योंकि दलितों की जिंदगी भी मायने रखती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।